हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल का प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का 2nd, 3rd और 4th वाला जो क्वेश्चन था वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ था। बाय द वे, हमारे 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 300, यस। तो जल्दी से करवा दो यार, अब तक 26 में 4 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, फिर मेरा 23 को 300 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएगा। बच्चे पाना तो ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो, ये जो 5th सम है ना, बहुत आसान सम है, मैं बता रही हूँ। मैं इतना आसान नहीं बताऊँगी ना कि आप लोग बोलोगे अरे ये सम तो बहुत ईजी है, मैं समझाती हूँ। आप लोग सबको ऐसा बोलोगे। तो देखो, इन फिगर, ये वाला फिगर जो है 3.85 क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है ना क्या होता है, ऑपोजिट साइड सेम रहती है, ठीक है। इट सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब मतलब सर्कल। देखो, आपको पता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है सर्कल के अंदर, अब यहाँ पर सरकमस्क्राइब्स का मतलब ये है कि अगर एक सर्कल रहता है कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरकमस्क्राइब्स। समझ में आया क्या। उसके बाद है सरकमस्क्राइब्स सेंटर टी, सर्कल का जो सेंटर है वो टी है। उसके बाद पॉइंट ई, देखो पॉइंट ई एफ जी एच आर टचिंग पॉइंट, मतलब क्या है। यहाँ पर देखो, ये सर्कल है ना, ये जो सर्कल है यहाँ पर थोड़ी ना हर एक पॉइंट टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर एफ पर टच हो रहा है एक सर्कल का पार्ट, ई पर, फिर यहाँ पर एच पर, और यहाँ पर जी पर। उसके बाद है ए ई की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखना। ए ई की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 4.5। उसके बाद ई बी की वैल्यू भी दी हुई हुई है 4.5.5। फाइंड ए डी, ए डी को फाइंड करना है। ए डी को कैसे फाइंड करोगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत आसान है। पहले आप लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्रॉब्लम सेट मत करो, ठीक है। बीइंग ऑनेस्ट टू यू गाइस, प्लीज़ 3.1, 3.2 प्रैक्टिस सेट जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगे हैं पहले उनको समझना, जो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वो समझ लेना, लेकिन मैं अभी आपको समझा देती हूँ क्या लगने वाला है। देखो, यहाँ पर अगर आप ये सर्कल को देखोगे, ये वाले सर्कल को, तो यहाँ पर ए ई और ए एच हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो यहाँ पर ए ई और ए एच जो हो जाएगा ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो यहाँ पर बस एक सेकेंड रुको। ओके, चलिए मैं पेपर ला देती। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ए ई और ए एच जो होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब क्यों, देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया बहुत ख़राब सा, और मैंने यहाँ पर ना क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसा दो लाइंस बनाई है। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये दोनों जो लाइंस है ना, ये है एक टेंजेंट, ठीक है। देखो, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर टेंजेंट्स बने हुए, तो यहाँ पर मैंने भी एक टेंजेंट बना दिया। देखो ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, सॉरी, ये दोनों जो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को इसमें भी करने का है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखना ये वाला पार्ट, ए ई और ए एच जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और वैसे ही जैसे मैंने आप लोग को ए ई और ई एच का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही ई बी और बी ई, बी एफ बी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 4.5.5, हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट।
समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आया कि कैसे, ये देखो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसको समझो, याद मत करो। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी, यहाँ से मैं ओके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब्स करता है सर्कल को एट टी, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ई एफ जी एच आर टचिंग पॉइंट, ए ई की वैल्यू 4.5 है, ई बी की वैल्यू 5.5 है, ए डी की फाइंड करना है, ए डी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मतलब ये मिला हुआ है, ये नहीं मिला हुआ, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल्स टू ए एच टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वैसे ही ई बी इज इक्वल्स टू बी एफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, मतलब क्या हो गया कि ए ई इज इक्वल्स टू ए एच इज इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद ई बी इज इक्वल्स टू बी एफ, वेट फाइन ओके, तो यहाँ पर देखना अभी ए ई बी, ई बी इज इक्वल्स टू बी एफ हो जाएगा 5.5, सेम टेन बाई टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसके बाद ध्यान दो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने कुछ किया है, मेरे को फाइंड करने का ये वाला लेंथ, ठीक है, मेरे को ए डी फाइंड करना है जिसमें से मेरे को ए एच इसकी वैल्यू जो है ना वो मुझे पता है, ए एच की वैल्यू की मेरे को पता चल गई, मुझे इसकी फाइंड करनी है, इसकी समझ में आया ना, अगर ये दोनों इक्वल होगा मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा और ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एच डी और डी एच जगह मैंने एक्स ले लिया क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, और मैंने सी जी और सी एफ बी वाई ले लिया क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है डी जी, देखो डी जी इज इक्वल्स टू डी एच इज इक्वल्स टू एक्स लेने का है, और फिर सी जी और सी वाई, सॉरी सी एफ हम लोगों को लेने का है वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद क्या करोगे, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद देखो मैंने क्या किया है ना, ए बी इज इक्वल्स टू मैंने क्या किया है डी सी, अब मैंने क्या किया ए बी, ए बी क्या है, ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी जो है हम लोगों का कॉम्बिनेशन है, ए ई बी जो है वो कोलिनियर है, राइट, ए बी यहाँ पर देखो ए ई बी कोलिनियर है, तो मैं ए बी को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि ए ई प्लस ई बी, राइट, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया यहाँ पर भी। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 4.5 प्लस 5.5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, अब मैंने x प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अब वैसे डी सी भी क्या है, डी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डी जी सी, तो मैंने डी जी प्लस जी सी किया तो x प्लस वाई आ गया मेरा, तो मेरे को यहाँ पर कोई इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन कैसे मिल रही है, अरे भाई यहाँ पर देखो 4.5 प्लस 5.5 करूँगी मैं तो 10 आ जाएगा, और x प्लस वाई तो एज इट इज ही रहेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, वैसे देखो मैंने अभी ए बी इज इक्वल्स टू डी सी किया, अब वैसे ही मैं ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ करूँगी, ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ करूँगी, तो देखो ये भी 5.5 ही है, ये भी 4.5 ही है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, अब मैं क्या करूँगी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी कर लूँगी, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी किया है, तो ए डी क्या है, ए डी कॉम्बिनेशन किसका है, देखो अच्छे से ध्यान से देखना, ए डी कॉम्बिनेशन है हम लोगों का ए एच प्लस एच डी का, तो यहाँ पर मैंने ए एच प्लस एच डी इज इक्वल्स टू बी एफ प्लस एफ सी करा क्योंकि ये सब कोलिनियर है, प्लस कर रही हूँ मैं सिर्फ, समझ में आया, तो यहाँ पर ए एच की वैल्यू जो है, देखो ए एच की वैल्यू जो है वो 4.5 दिया हुआ है हम लोगों को, और एच डी की वैल्यू क्या है नहीं पता, वो हम लोगों ने एक्स लिया हुआ है यहाँ पर, देखो एक्स, ठीक है। उसके बाद बी एफ की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5.5 है,
और यहाँ पर एफ सी की वैल्यू उन्होंने वाई ले लिया। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्टिंग द टर्म्स कर रही हूँ कि मुझे लाइक टर्म्स एक साथ चाहिए और अलग टर्म्स अलग करने का है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया ना, एक्स को यहीं पर रखा है, वाई को यहाँ पर शिफ्ट किया है, 5.5 को यहीं पर रखा है और 4.5 को यहाँ पर शिफ्ट करा है। तो मैंने एक्स माइनस वाई देखो 5.5 माइनस 4.5 कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनी है। अब भाई हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, सेकेंड इक्वेशन मिल गया, मतलब क्या करेंगे। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन बनी है हम लोगों की, तो मतलब हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोगों को एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि हम लोगों को ए डी मिल सके। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या बोला। मैंने बोला है कि अभी हम लोग को लीनियर इक्वेशन मिला है, हम लोग उसको जो हम लोग का एलजेब्रा आ गया भाई, यहाँ पर एलजेब्रा की एंट्री हुई है। तो करो देखो एडिंग, अब देखो एक्स माइनस वाई है एक हम लोगों का, ठीक है, और हम लोगों का दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई। तो अब अगर एक्स माइनस देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग पास एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ऐसे टाइम पे करते हैं एडिंग। तो यहाँ पर देखो यार हम लोग करेंगे एडिंग। एडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वाई को कट कर रहे हो, प्लस माइनस की साइन है ना। तो देखो देखो मैंने वाई को कट कर लिया, एक्स प्लस एक्स 2x और 10 प्लस 1 11, एक्स इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5। तो देखो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5 को किया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10, 5.5 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, मैं y की वैल्यू नहीं फाइंड कर रही हूँ। अब आपको बताना है कि मैं y की वैल्यू फाइंड क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे कोई बता सकता है ये बात कि मैंने y की वैल्यू फाइंड क्यों नहीं करी। यस yes. कौन बताया भाई, कमेंट में बताना मुझे, कमेंट में बताओ, फटाफट से कमेंट करो और बोलो कि मैंने बताया मैंने बताया। तो देखो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं करी है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे को AD की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये देखो, मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया, सिर्फ AD की वैल्यू देखो। AD जो है वो है AH प्लस HD, HD की x है वैल्यू, y का तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं नामो निशान, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको फाइंड करा है, सिर्फ और सिर्फ x को फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 5.5 मिल गया है। यस यस जी, तो यहाँ पर देख लो हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, AD क्या है, AD किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखो AD जो कॉम्बिनेशन है वो है AH प्लस HD। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AH प्लस HD। तो यहाँ पर AH की वैल्यू 4.5 आई और HD की वैल्यू क्या आई है, 5.5 है, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है इतनी मेहनत से, 5.5 आई है। तो 4.5 प्लस 5.5 हो जाएगा 10। तो हम लोगों को मिल गई है AD की वैल्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक ही सम सॉल्व किए बट अच्छे से किए हैं, ताकि आप लोगों को मेहनत ना लगे ढूंढने में कि मैं इसलिए एक एक और दो दो सम करवा रही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों कर लेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।